और अब कुंतल देवरे जी का एक सवाल लेते हैं इंडियन होटल्स के बारे में। इनका प्रश्न है कि क्या 1,000 तक जाएगा? और आपने इतने सारे क्वेश्चन मार्क क्यों लिखे हैं? मतलब एक एक क्वेश्चन मार्क में ही नजर चली जाती है हमारी, ऐसा क्या है? खैर, इंडियन होटल। देखिए, पूरे होटल शेयर्स में जिस तरह की आग लगी है ना, पहली चीज ये बताऊं कि मुझे लगता है इंडियन होटल का तो एक साइकिल टारगेट 500 के आसपास अचीव हुआ है। यहाँ से थोड़ा केयरफुल जरूर रहना चाहिए, बिकॉज ये मल्टी इयर्स वैल्यूएशन फैक्टर कर रहा है। एक आधा दो इंडियन होटल स्टॉक अभी बचे हैं जिसमें वैल्यूएशंस मतलब आने आगे भी ऊपर जा सकते हैं। पर्टिकुलरली इंडियन होटल का मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। वैल्यूएशन बहुत खिंच चुका है, 2 साल 3 साल के ऊपर का वैल्यूएशन इसमें फैक्टर हो रहा है। नंबर्स अच्छे आ रहे हैं इसलिए इसमें मार्केट में यूफोरिया है, लेकिन इस लेवल से मेरे हिसाब से कॉशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इंडियन होटल में या किसी भी होटल स्टॉक में। तो इस यूफोरिया में मतलब बहने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सेफ्टी अगर देखना चाहते हैं तो कोई और काउंटर, कोई और सेक्टर देखिए, इसमें सेफ्टी की कमी है। हाँ, ये सब कभी आपको 20-30% गिरे कभी मिले तो ऐसा नहीं है कि इसमें 2 साल 4 साल में ग्रोथ नहीं होगा, बिकॉज सप्लाई जो है वो सप्लाई को डिमांड आउटपेस कर रहा है। तो इस केस में ग्रोथ तो रहेगा, प्राइसिंग भी बहुत बढ़ रही है, इनकी प्राइसिंग भी बहुत ऊपर, रूम की प्राइसिंग भी एवरेज रूम रेंट भी काफी हाई होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आप पैसा दे रहे हैं फिर भी आपको होटल में जगह नहीं मिल रही है, तो ये सब ठीक है, लेकिन ये सब वैल्यूएशन में ऑलमोस्ट फैक्टर्ड है। तो कभी फॉल पे मिलेगा 20-30% मैं बायर रहूंगा, लेकिन अदरवाइज इसमें कॉशन जरूर बन जाता है। जी, तो फिलहाल इंडियन होटल्स चाल जबरदस्त है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत भी दिख रही है।